24 अक्टूबर 2021 ब्लैक डे ऑफ इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री, क्योंकि आज ही के दिन सालों से बरकरार वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा था पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने पहली बार वर्ल्ड कप में इंडिया को हराया, वो भी 10 विकेट से। कल दुबई में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने टीम इंडिया को हरा दिया। पाकिस्तान का हर प्लान इस मैच में बिल्कुल हिट और फिट साबित हुआ। और उसके बाद न्यूजीलैंड के सामने इंडिया अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बरकरार रखते हुए उस मैच में हार कर हुआ वर्ल्ड कप से बाहर। काम तमाम हो चुका है क्योंकि दूसरा मैच भी भारत हार गया 8 विकेटों से। और उसके बाद ही चारों तरफ से कैप्टेंसी, प्लेयर परफॉर्मेंस के ऊपर सवाल उठने लगा। हर बड़े मैच में फ्लॉप होकर दिखाएंगे, बड़ी टीमों के खिलाफ कभी रन नहीं बनाएंगे। लेकिन इन सब सवालों के बीच सबसे बड़ा जो सवाल आ रहा था वो था बीसीसीआई का टीम सिलेक्शन। 8 नवंबर 2021 विराट ने T20 कप्तानी छोड़ दिया और इसके बाद ही शुरू होता है विराट बनाम बीसीसीआई। 9 नवंबर 2021 बीसीसीआई ने रोहित को T20 का कप्तान घोषित किया। विराट जब T20 का कप्तानी छोड़ दिया तब उन्होंने बोला था कि वो ODI का कैप्टनसी कंटिन्यू करना चाहते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद बीसीसीआई ने विराट को ODI कैप्टनसी से भी हटा दिया, क्योंकि बीसीसीआई दोनों फॉर्मेट में एक ही कप्तान चाहते थे। लेकिन अगले 8 महीनों में 8 नए कप्तान बनाया गया। लेकिन इसी बीच विराट ने टेस्ट कैप्टनसी भी छोड़ दिया। अब इंडिया के T20 और ODI का कप्तान था रोहित शर्मा। अगले 8 महीनों में रोहित को एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप के लिए एक वर्ल्ड चैंपियन टीम तैयार करना था। इस समय बहुत सारे प्लेयर्स को मौका दिया गया, बहुत सारे प्लेयर्स को डेब्यू करवाया गया, हर एक पोजीशन के लिए 3 से 4 खिलाड़ी को रेडी किया गया। लेकिन किसी का भी जगह टीम में पक्की नहीं था। किसी को एक मैच खिलाकर बेंच पे बैठा दिया जाता तो किसी को 2 मैच। खिलाड़ी जितना अच्छा भी परफॉर्मेंस कर ले उसका जगह टीम में पक्की नहीं था। किस मैच में किस खिलाड़ी को मौका दिया जाएगा ये प्लेयर का परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं बीसीसीआई के सिलेक्शन कमेटी के ऊपर निर्भर था। सिलेक्शन कमेटी को भी पता नहीं था कि किस प्लेयर को छोड़ा जाए और किस प्लेयर को खिलाया जाए। एक तरफ जब दुनिया के दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स अपने प्लेयर्स को बैक करके एक परफेक्ट प्लेइंग 11 ढूंढ रहा था, वहां पर हमारे क्रिकेट बोर्ड नए नए प्लेयर्स को आजमा रहा था। जो प्लेयर पूरा साल खेला उसे छोड़कर जो प्लेयर पूरा साल इंजर्ड था उसे वर्ल्ड कप में मौका मिला। एशिया कप के पहले मैच से पहले भी पता नहीं था कि रोहित के साथ कौन ओपनिंग करेगा, स्पिन बॉलिंग और फास्ट बॉलिंग का डिपार्टमेंट कौन संभालेगा, विकेट कीपिंग कौन करेगा। इन सब सवालों को लेकर जब कोई टीम टूर्नामेंट खेलना जाता है तो क्या वो टीम टूर्नामेंट जीतने का लायक होता है? इसका जवाब मिला हमें एशिया कप में, जब इंडिया श्रीलंका से हारकर एशिया कप से बाहर हो जाता है। वर्ल्ड कप से 1 हफ्ते पहले मोहम्मद शमी को बुमराह के रिप्लेसमेंट के रूप में ऑस्ट्रेलिया भेजा गया। अगर शमी को ही खिलाना था तो क्यों उनको 2021 वर्ल्ड कप के बाद खिलाया नहीं गया, क्यों उनको बैक नहीं किया गया? और अश्विन को ही वर्ल्ड कप खिलाना था तो क्यों उनको भी बैक नहीं किया गया? इन दोनों को अगर बैक किया जाता तो शायद ये दोनों और भी बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकते थे। अगर उमरान, अवेश और रवि बिश्नोई को वर्ल्ड कप के टीम में मौका ही नहीं मिलना था तो क्यों पिछले 8 महीनों से उनको लगातार बैक किया गया? क्या ऐसे ही बनता है एक वर्ल्ड चैंपियन टीम? क्या ऐसे ही कोई टीम वर्ल्ड कप ले जाता है? अगर केएल राहुल को ही रोहित के साथ ओपन करना था तो ईशान किशन को क्यों इतना मौका दिया गया? सामने इतना सारा सवाल लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। ऐसे ही टीम इंडिया वर्ल्ड कप खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंची। जैसे तैसे टीम इंडिया सेमीफाइनल तक तो पहुंच गई, लेकिन सेमीफाइनल में इंग्लैंड से 10 विकेट की हार इन सब सवालों को एक नया मोड़ दिया। 2021 में पाकिस्तान के सामने तो 2022 में इंग्लैंड के सामने ये 10 विकेट की हार की जिम्मेदार कौन था? कौन है जो अपने प्लेयर्स के करियर को लेकर खेल रहा है? कौन है जिसके वजह से संजू सैमसन जैसे एक टैलेंट को इंडिया खो रहा है? क्या IPL इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर हावी हो रहा है? क्या ऐसे ही टीम इंडिया 2023 वर्ल्ड कप जीतेगी? ये सवाल अब भी सवाल है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो को अच्छा लगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्रिकवर्स को।